सोहना में सीएम मनोहर लाल पहुंचे तो बीजेपी कार्यकर्ता के बेटे की शादी में थे, मगर उन्हें खामखा दमदमा गांव के लोगों के विरोध का सामना करना पड़ गया। जी हां, दरअसल गांव वाले पहले ही पुलिस और प्रशासन से नाराज थे, क्योंकि बीते दिनों गांव का एक बेटा सेना में शहीद हो गया था, जिसके अंतिम संस्कार और अंतिम यात्रा के दौरान कोई अधिकारी या पुलिसकर्मी मौके पर नहीं पहुंचा। और जब सीएम उसी गांव में गए तो कुछ युवकों ने काला कपड़ा दिखाकर उनका विरोध किया। कल मुख्यमंत्री जी भी दमदमा में आए थे गांव में, यहां बिल्कुल आप देखोगे चार कदम दूर पर ही ताज होटल है, इस होटल में आए थे, और होटल के अलावा यहां झील पर घूम के गए हैं, कम्प्लेक्स में गए हैं हरियाणा टूरिज्म के में। इन चीज़ों के लिए तो सीएम साहब को समय था, लेकिन सही बात यह है कि शहीद के घर जाने का मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था, या तो मुख्यमंत्री को ये बात यहाँ के स्थानीय विधायक ने, यहाँ के उनके कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के अधिकारियों ने ये चीज़ बताई नहीं, क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही, शहीद की जिस दिन संस्कार किया था उस दिन यहाँ कोई भी अधिकारी संस्कार पर हरियाणा सरकार की तरफ से नहीं आया, या तो छुपाई गई सीएम से बात, या सीएम शहीदों के घर आना नहीं चाहता, ये इस तरह की लापरवाहियाँ हुई है। इसलिए गांव के बच्चों ने जो कल उनको काले झंडे भी यहाँ दिखाए हैं और इसी दुख के साथ दिखाए हैं कि भाई हमारे गांव में शायद मुख्यमंत्री आ रहा तो दो मिनट के लिए उन परिवारों को भी सांत्वना जरूर सीएम साहब देंगे, अगर वहाँ भी जाने का समय नहीं हो तो यहीं बुला कर उनको सांत्वना दे देते तो गाँव के लोगों को तसल्ली होती, भी मुख्यमंत्री हमारे गाँव में आया और शहीदों के बारे में कोई दो शब्द बोल के गया। जब सीएम के गाँव में आने की जानकारी किसानों को लगी तो सभी देवीलाल खेल स्टेडियम में पहुँच गए, लेकिन समय रहते विरोध करने की जानकारी सीआईडी तक पहुंच गई, जिसके सीएम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग की जगह बदल गई। आखिर में सीएम का हेलीकॉप्टर अभयपुर गांव के पास निर्माणाधीन मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के पास निजी फार्म हाउस में उतारा गया, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। फिर सीएम 3 किलोमीटर का सफर कर दमदमा गाँव के 5 सितारा होटल गए और आधा घंटा वहाँ रुकने के बाद निकल गए। सीएम साहब यहीं मुश्किल से 10 मिनट की दूरी पे होटल में आए ताज में, लेकिन उनको यहाँ पे आने की फुर्सत नहीं थी, सभा में शामिल नहीं हुए। वो अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हैं कि शहीद है या नहीं है, क्या है क्या नहीं, इसका हमें बहुत ज़्यादा रोष था और हमने वो प्रकट किया, जो हमारा दबा दिया गया ऑन मौके पर जी। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि वो आए, ये सब करें, उसके अलावा हमारी जो उन्होंने जो हमारे जो भाई शहीद हुए थे वो आते हैं, कुछ हमारे कमिटमेंट करके गए कि स्कूल को हम 12वीं तक करेंगे, एक स्किल सेंटर देंगे, आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। अब आए उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो आए, वो बोलते हैं कि ठीक है जी हम स्कूल की कार्रवाई करते हैं, लेकिन बरातल को उसका कोई एक साल से कोई सुनवाई नहीं। लेकिन आकाश के अंतिम संस्कार में भी मेरे ख्याल से प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचे थे? नहीं, कोई नहीं पहुंचा जी, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं। आते हैं तो 7 दिन बाद आ रहा है कोई अधिकारी, को 10 दिन बाद आ रहा है, ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं आता है एन मौके पर। तो पुलिस भी ने भी आपको गिरफ्तार किया था? बिल्कुल गिरफ्तार किया था। ये थी जी, जब सीएम साहब हमारे यहाँ पे आ रहे हैं ताज होटल में, वहाँ से चंद कदम की दूरी पर, मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर भाई राज सिंह शहीद जो हमारे हुए थे पिछले साल डोडा में, उनका वहाँ पर वो समृति स्थल है, वहाँ पर आके वो पुष्प चढ़ा सकते थे। अभी 10 दिन पहले हमारा शहीद हुआ था भाई राज सिंह, उसके घर पर जाके उसकी अभी कल ही श्रद्धांजलि सभा रखी गई थी, वहाँ पर भी जाकर वो पुष्प अर्पित कर सकते थे, परिवार से मिल सकते थे, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो आके हमारे शहीदों के लिए टाइम निकाल सके। वो हमारे ताज होटल में अपने किसी कार्यकर्ता की शादी में आ सकते हैं, क्या वो शहीदों के लिए इतना टाइम नहीं निकाल सकते कि वो वहाँ पे भी पहुँचे? दमदमा गांव के लोगों को इसी बात का दुख है कि सीएम शहीद के गांव में तो आए, मगर उसके पास शहीद के घर जाने का समय नहीं था। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के नेता और विधायक भी मौजूद थे, जिन्होंने शायद सीएम को शहीदों के बारे में जानकारी नहीं दी। बहरहाल जो भी हो, पुलिस प्रशासन और सोहना के नेताओं की लापरवाही की वजह से सीएम को विरोध का सामना करना पड़ा, वो भी ऐसे में जब किसान लगातार बीजेपी और जेजेपी नेताओं का विरोध कर रहे हैं। सोहना से सतीश राघव, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।